स्वागत है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और हर साल पूरी दुनिया से हजारों पर्वतारोही इसकी चोटी पे अपने देश का झंडा लहराने की कोशिश करते हैं, पर इनमें से बहुत कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि 29,002 फीट यानी लगभग 8.8 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ना सबके बस की बात नहीं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो कौन था जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी? नॉर्मली हम यही सोचेंगे कि इतना बड़ा काम तो किसी विदेशी ने ही किया होगा, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाला कोई विदेशी नहीं बल्कि एक भारतीय मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर जी थे। दोस्तों बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा अगर आपने ये नाम पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी ही सातिर तरीके से उनका नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिया था। तो चलिए जानते हैं राधानाथ सिकदर जी की पूरी स्टोरी। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1831 में, जब अंग्रेज सरकार पूरे भारत के लैंडमार्क का सटीक ज्योग्राफिकल मेजरमेंट लेने के लिए GTS यानी दी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे नाम का एक प्रोग्राम चला रही थी, और इस प्रोग्राम की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर जॉर्ज एवरेस्ट को दी गई थी जो कि तब का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। और इसी प्रोग्राम के तहत जॉर्ज तब कलकत्ता शहर का मेजरमेंट कर रहा था और साथ ही साथ मेजरमेंट के काम में हाथ बटाने के लिए एक ऐसे मैथमेटिशियन की तलाश कर रहा था जिसे स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल हो। और तभी उनको कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के मैथमेटिक्स प्रोफेसर जॉन टाइलर ने उनके 19 वर्षीय स्टूडेंट राधानाथ सिकदर जी का नाम सजेस्ट किया। दोस्तों राधानाथ सिकदर जी इतने इंटेलिजेंट थे कि सिर्फ 19 साल की एज में ही वो खुद के नए नए मैथमेटिक फॉर्मूलाज बना लेते थे, और उनके इसी इंटेलिजेंस की वजह से जॉर्ज ने उन्हें GTS में एक ह्यूमन कंप्यूटर के तौर पे काम पे रखा और उनको 30 रुपये पर मंथ की सैलरी दी गई। उस समय कंप्यूटर्स नहीं होते थे और इस वजह से कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए अच्छे मैथमेटिशियंस को काम पे रखा जाता था और इन्हीं लोगों को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। जॉर्ज ने राधानाथ जी की तरह 7 और ह्यूमन कंप्यूटर्स को भी काम पे रखा था, पर राधानाथ जी बाकी सबसे कहीं ज्यादा तेज थे और इसी वजह से वो जॉर्ज के फेवरेट बन गए थे। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ कि राधानाथ जी GTS की नौकरी छोड़ के सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते थे, पर जॉर्ज ने उन्हें जाने की परमिशन दी ही नहीं। फिर अगले 12 सालों तक राधानाथ जी और जॉर्ज भारत के अलग अलग शहरों का मेजरमेंट करने में लग गए, और इसी दौरान 1943 में जॉर्ज रिटायर हो गया और उसकी जगह पे ऑफिसर एंड्रयू स्कॉट वॉक को सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और शहरों को मेजर करने का काम अब भी जारी रहा। पर गजब का इंसिडेंट तब हुआ जब 8 साल बाद 1851 में एंड्रयू ने राधानाथ जी को इंडिया के पहाड़ों का मेजरमेंट करने का ऑर्डर दिया। दोस्तों उस टाइम पे कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था और माउंट एवरेस्ट को पीक XV कहा जाता था, पर जब राधानाथ जी ने हिमालयन रीजन के सर्वे रिपोर्ट्स पे अपने फॉर्मूले लगाए तब सामने आया कि पीक XV 29,000 फीट का है जबकि कंचनजंगा सिर्फ 28,156 फीट का। इस खोज के बाद वो भाग के एंड्रयू के पास गए और अपने कैलकुलेशंस दिखाए, पर एंड्रयू को एक मामूली से भारतीय मैथमेटिशियन पर यकीन नहीं हुआ। इस वजह से उसने अगले 7 सालों तक अपने अंडर काम कर रहे दूसरे मैथमेटिशियन से राधानाथ जी की कैलकुलेशंस को वेरीफाई करवाया और एट लास्ट 1858 में उसने अनाउंस किया कि पीक XV की हाइट 29,002 फीट है, और उसने हाइट 2 फीट बढ़ा के इसलिए बोला क्योंकि उसे लगा कि 29,000 का राउंड फिगर देख के लोग इसे एक्यूरेट नहीं मानेंगे, और साथ ही साथ उसने पीक XV को ऑफिशियली माउंट एवरेस्ट का नाम दे दिया पूर्व सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट पता लगाने वाले इस पूरे प्रोग्राम में राधानाथ जी की कंट्रीब्यूशन का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। कंट्रीब्यूशन तो छोड़िए, जब आपको ये पता चलेगा कि राधानाथ जी की मौत के बाद अंग्रेजों ने क्या किया तब जाके आपको अंदाजा होगा कि अंग्रेज कितने बड़े धोखेबाज थे। दोस्तों हुआ यूं कि 1851 यानी जिस साल राधानाथ जी ने पहली बार एंड्रयू को पीक XV की हाइट के बारे में बताया, उसी साल सर्वे डिपार्टमेंट ने एक सर्वे मैनुअल नाम की बुक रिलीज की थी ताकि नए नए सर्वेयर्स इसे पढ़ के सर्वे करना सीख सके, और साथ ही साथ इस किताब में राधानाथ जी के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी दिए गए थे। और जब ये बुक रिलीज हुई थी तब बुक के प्रीफेस में साफ साफ लिखा गया था, इस बुक में दिए गए सारे टेक्निकल और मैथमेटिकल चैप्टर्स को राधानाथ सिकदर द्वारा लिखा गया है। पर इसके 19 साल बाद 1870 में जब राधानाथ जी की मौत हुई तब अंग्रेज सरकार ने इसी बुक का एक नया एडिशन निकाला जिसके प्रीफेस से राधानाथ जी के कंट्रीब्यूशन की लाइन हटा दी गई और पूरे बुक का क्रेडिट अंग्रेज खुद ले गए, और कहीं भी राधानाथ जी का नाम मेंशन ना होने की वजह से धीरे धीरे इतिहास से उनका नाम भुला दिया गया। पर अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हिस्ट्री की किताबों में राधानाथ जी का कोई मेंशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले राधानाथ सिकदर जी की स्टोरी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।